हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू माय प्रॉमिस 4:30 बजे आज मैं आप लोगों के नवरात्रि के लिए वेट लॉस स्मूदी लेके आई हूँ। बहुत ही क्विक रेसिपी है, अगर आपके पास टाइम नहीं भी है तब भी आप इस रेसिपी को पी सकते हैं। और जैसे जो लोग ऑफिस बॉय हैं वो अपने जो थर्मस होता है तो वो उसमें ले जा सकते हैं, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बहुत ही हेल्दी है, बहुत ही एनर्जेटिक है और काफ़ी देर आपका पेट जो है भरा भरा सा फील होगा। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक जो बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना ना भूलें, ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पा सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं रात में फिर 10 बजे आपसे मिलूंगी और हर रोज 4:30 बजे मेरा वीडियो आएगा और रात में 10 बजे मैं लाइव आऊंगी। तो चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, इस स्मूदी को बनाने के लिए आपको काले वाले अंगूर चाहिए, एक कीवी चाहिए, ये ऑप्शनल है क्योंकि मैं इसे गार्निशिंग में डालूंगी, और घर का जमाया हुआ दही चाहिए यानी लो फैट मिल्क, इसे आप मार्केट से भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, ये जो जितने अंगूर हैं इसमें मैं 3 लोगों की स्मूदी रेडी करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर आप खाएंगे तो अच्छा होगा। तो यहाँ पर मैंने और इसके बाद आपको इसे एक किसी भी जार में निकाल लेना है। और ये जो स्मूदी है, मतलब आपको मैं इस पूरी स्मूदी में 3 लोगों की बना रही हूँ, तो ज़्यादा मात्रा में आपको अंगूर नहीं लेना है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लो फैट मिल्क ही लीजिएगा क्योंकि इस जार में जो है वो काफ़ी थिक है, तो मैं इसमें भी थोड़ा सा पानी ऐड करके डालने वाली हूँ इसमें। तो इसको मैं इसीलिए इसमें ऐड करती हूँ, थोड़ा सा पानी भी मैंने ऐड किया है ताकि ज़्यादा थिक ना रहे। और बहुत टेस्टी है, सच में बहुत हेल्दी होने वाली है। और फ्रेंड्स, ये देखने में जितने, इसके बाद मैं गार्निशिंग के लिए इसमें थोड़े से अंगूर के इसमें मैं अनार डालूंगी और 2 बादाम ऐड करूंगी। तो ये देखने में जितना टेस्टी लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, इंजॉय करिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो अंगूर की लिमिटेशन है वो थोड़ा सा कम ही रखिएगा, यानी जितने अंगूर मैंने लिए हैं ये मेरे 250 ग्राम में 3 लोग मैं हम लोग खाएँगे। और ये देखिए, देखने में बहुत टेस्टी है, तो इसको ट्राई करिए और बताइएगा कि आपको खाने में इससे कैसा लगा है। आई होप गाइज, आपको मेरी ये क्विक रेसिपी पसंद आई होगी। नवरात्रि में जो लोग सोचते हैं कि सिर्फ ऑयली और शुगर का खा के हम नवरात्र का व्रत रह सकते हैं, ऐसा नहीं। इस मिथ को दूर करिए, हेल्दी चीज़ें खाइए, स्वस्थ रहिए और अपना वेट भी कम करते रहिए। तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।